हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अनदर ईद मेकअप लुक, जो कि बहुत ही सिंपल सा लुक है। मैं अपने चैनल पे बहुत सिंपल से लुक डालती हूँ। ज़्यादा बोल्ड लुक मैंने अभी तक डाला नहीं है ईद के, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में ईद मनाए जाएंगे तो सभी लोग घर ही पर होंगे, तो मैं उस हिसाब से ईद मेकअप लुक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन के लिए। मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, तो मेरे लिए वो मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। बट इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पे इनिशफ्री का प्राइमर, फेस प्राइमर, जो कि मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करेगा इस समर में। और मैंने अप्लाई किया है कलर एसेंस का फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। और मैंने इसको ब्लेंड किया है सिग्मा के ब्रश से, जो कि एक ब्लेंडिंग ब्रश, बहुत अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश है। देन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है किस ब्यूटी का कंसीलर, जिसमें कंटूर स्टिक एंड कंसीलर स्टिक दोनों ही आते हैं। और सेम ब्रश की हेल्प से मैंने अपने फेस के बेस को सेट कर लिया है। बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, जिसको मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ नेक में, फेस पर। देन मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। आईब्रोज़ को गाइस ज़रूर फिल करें, आईब्रोज जो है वो हमारे फेस को एक अनदर लुक दे देता है। तो अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नायका की पेंसिल, आईब्रो पेंसिल। बहुत अच्छी पेंसिल है, लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा सा कॉस्टली है, 500 रुपीज़ की आती है। देन इसको अच्छी तरह से मैंने अपने आईब्रोज़ को डिफाइन कर लिया है। उसके बाद मैंने बुली की हेल्प से सेट किया है, ताकि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो तो वो सब हट जाए, इसलिए मैंने बुली की हेल्प से सेट किया है। अब मैं अपने आईब्रोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ हाइलाइटर की हेल्प से, एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से मैं अपने हाइलाइटर को अपने आईब्रोज़ को हाईलाइट कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप भी मैंने बहुत लाइट रखा है, अपने फुल क्रीज पर मैंने अप्लाई किया है ब्राउन शेड। देन मैंने नीचे भी अपने लोअर वाटरलाइन के ग्लोव अप्लाई किया है ब्राउन शेड। और अब मैं ये वाला आई शेडो लेकर के, जो कि शिमर है, सिल्वर शिमर में आता है, इस टाइप से इसको अप्लाई कर लूँगी फिंगर की हेल्प से। ब्रश की हेल्प से अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जो कि आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, बट फिंगर की हेल्प से ये बहुत अच्छी तरह से कलर आई शेडो प्लेस हो जाते हैं। देन मैं अपने इनर कॉर्नर्स को फिल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने थोड़े से वाटर लाइन के क्लोज, सॉरी लोअर लैश लाइन नहीं, अपर लाइन के क्लोज थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे कैलोसल का लॉरियल का मस्करा यूज कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट के नेम बहुत जल्दी याद नहीं आते। देन मैं यहाँ पे फॉल्सेस अप्लाई कर रही हूँ। अगर जिसको भी फॉल्सेस अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो ना भी करे तो भी चल जाएगा। जिनकी लैशेस नेचुरली बहुत अच्छी है, नेचुरली मेरे लैशेस इतने बड़े नहीं हैं, इसलिए मैं फॉल्सेस ऑल टाइम यूज़ करना पसंद करती हूँ। देन मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लेकर मैंने अपने वाटरलाइन के ग्लोज अप्लाई किया है। यहाँ पर मैं कोई भी काजल वगैरह नहीं अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा आई शेडो जो है वो हमें थोड़ा सा डैप डैप करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें फॉल आउट्स होते हैं। और मैं अपने लोअर लैश लाइन पर थोड़ा सा मस्करा का एक टचअप दे रही हूँ, ताकि मेरे लोअर लैश लाइन बिल्कुल ही खाली ना लगे, क्योंकि हमने यहाँ पे काजल वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया है इसलिए। देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ की है कि मैंने आई शेडो पैलेट में से ही ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ। और फिंगर की हेल्प से ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शुगर का ब्लश। बहुत ही अच्छा ब्लश हाइलाइटर है। गाइज, मुझे ब्लश और हाइलाइटर में आज कन्फ्यूजन हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रही है। देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है HR की लिपस्टिक, एंड दिस इज़ द माई फाइनल लुक। गाइज, लुक आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।